हमारा यह मानव शरीर जड़ और चेतन का सम्मिलित रूप है। मानव शरीर के इन दोनों भागों को स्थूल और सूक्ष्म शरीर में बांटा गया है। स्थूल शरीर के अंतर्गत हाड़, मांस और रक्त से बनी यह मानव आकृति आती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। यह यूं कहें कि चेतना के कारण ही स्थूल शरीर का अस्तित्व है। इस चेतना को ही आत्मा कहा गया है। यह चेतना या आत्मा ही शरीर में विभिन्न भूमिकाएं निभाती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से अंतःकरण, चतुष्ट या मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहा जाता है। कहने को बस नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनके पीछे मूल रूप से कार्य करने वाली चेतना आत्मा ही तो है। आइए जानते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है और इनकी भूमिकाएं क्या हैं। मन को समझना इतना आसान नहीं कि बस हमने कहा कि हमने मन को समझ लिया और हमने मन को समझ लिया है। मन को समझने के लिए चलिए एक प्रयोग करते हैं। आप दोहराइए कि मेरा मन कर रहा है। जब आप ऐसा दोहराएंगे तो सोचिए कि आपका मन क्या क्या करने को कर रहा है। यदि जवाब में आपको मिलना शुरू हो जाए कि मेरा मन क्या क्या कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने मन को समझ लिया है। मन क्या कर सकता है? मन इच्छा कर सकता है कुछ खाने की, घूमने की, सुनने की, देखने की, खेलने की और भी बहुत कुछ। दूसरी बात, मन कल्पना कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। कल्पना करने में मन के समकक्ष कोई भी नहीं। मन की गति इतनी तीव्र है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी सोचते ही मन क्षण भर में पूरी दुनिया के चक्कर लगा सकता है। मन आपकी सारी इंद्रियों की विषयों को याद रख सकता है। जरूरत पड़ने पर आपको उन अनुभवों का अनुसरण करा सकता है। मन ही आपको किसी विषय के प्रति प्रेरित करता है, इसलिए मन को 11वीं इंद्री भी कहा जाता है। मन चंचल है क्योंकि जागृत और स्वप्न अवस्था में वह कभी नहीं रुकता। मन एकांगी है क्योंकि एक क्षण में मन केवल एक ही विषय को सोचता है। ये सब तो मन के गुण हैं। चलिए मन के द्वारा होने वाले कर्मों के बारे में जानते हैं। गीता में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वह यह है कि हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, किंतु हर इच्छा एक आवश्यकता हो या जरूरी नहीं। यही बात है जो आपको मन को समझने में सहायता करेगी। यदि अंधे होकर मन की इच्छाओं का अनुगमन किया जाए तो मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं, और यदि सचेत होकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मन की इच्छाओं का अनुगमन किया जाए तो उससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन पर कितना ध्यान देते हैं। बुद्धि को यदि विवेक का नाम दिया जाए तो समझने में जितनी सुविधा होगी उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। बुद्धि कहते हैं निर्णय करने की क्षमता, या इसे मानव मस्तिष्क में बैठा न्यायाधीश, जस्टिस भी कहा जा सकता है। बुद्धि की सबसे बड़ी ताकत तर्क है। यह बुद्धि ही है जो आपके मन की इच्छा और आवश्यकता में अंतर करने की क्षमता रखती है। किसी भी बात का निर्णय करने में बुद्धि, ज्ञान, अनुभव, कारण, प्रमाण, तथ्य, तर्क, पात्र, क्षमता और परिस्थिति आदि मापदंडों का उपयोग किया जाता है। सामान्य मनुष्यों की बुद्धि के दो पक्ष होते हैं, श्रेय और प्रिय। श्रेय अर्थात आत्मा के अनुकूल या परमार्थ बुद्धि, और प्रिय अर्थात मन के अनुकूल या सांसारिक स्वार्थ बुद्धि। लेकिन उच्च कोटि के योगी की बुद्धि मनुष्यों की बुद्धि से अलग होती है। यह सब कुछ मन के क्षेत्र में एक लोक अदालत की तरह कार्य करता है, जहां विभिन्न इच्छाओं के विभिन्न मुकदमे चलते हैं, जो बुद्धि रूपी न्यायाधीश के सामने उन इच्छाओं की विषयों द्वारा, वकीलों द्वारा पेशकश की जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि वह न्यायाधीश है जिसके समक्ष सभी बातों का चिंतन किया जाता है। चित्त क्या है? स्वभाव, आदतों और संस्कारों के समुच्चय को चित्त कहते हैं। हर इच्छा बुद्धि रूपी न्यायाधीश से गुजरने के बाद कार्य रूप में परिणत होती है। लंबे समय तक एक ही प्रकार की इच्छाओं की कार्यरत होने से मनुष्य को उनकी आदत हो जाती है। जो विचार, आदत या संस्कार चित्त में पड़ जाता है, उससे पीड़ा छुड़ाना बहुत कठिन होता है। कमजोर मनोबल वालों के लिए तो लगभग असंभव होता है। मनुष्य के इसी चित्त को चित्रगुप्त देवता कहा जाता है, जो उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखता है, क्योंकि जो कुछ भी अच्छा या बुरा इच्छा के रूप में प्रकट होकर बुद्धि की लक्ष्मण रेखा को पार करके चित्त में डेरा डालता है, वही हमारे प्रारब्ध या कर्माशय का निर्माण करता है। मस्तिष्क में
सकारात्मक या नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप उसे बुद्धि की लक्ष्मण रेखा को पार करके अपने चित्र रूपी चित्रगुप्त में स्थान नहीं दे देते। जब कोई इच्छा या विचार चित्र में आ जाता है तो वह आदत या संस्कार के रूप में अपनी जड़ें जमा लेता है, जो उसी प्रकार के आदत और संस्कारों को बढ़ावा देता है। जब तक कि उसे जड़ मूल से उखाड़ करना फेंक दिया जाए, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दुराचार, नशाखोरी, क्रोध, लोभ आदि के संस्कार ऐसे ही हैं जो दीर्घकाल से चित्त में पड़े रहते हैं और समय आने पर स्वतः प्रकट हो जाते हैं। हमारे इसी चित्त में जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार पड़े रहते हैं, जिनका परिशोधन और परिमार्जन करना ही मनोमय कोष की शुद्धि कहलाता है। जब तक आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से मनोमय कोष की शुद्धि नहीं की जाती, तब तक कोई भी साधना प्रत्यक्ष रूप से लाभदायक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी शक्ति हमारे मनोमय कोष को शुद्ध करने में लग जाती है, हमारे पापों का उन्मूलन करने में लग जाती है। अहंकार, यह सबसे मेन पॉइंट है। अहंकार का मतलब होता है अपने स्वयं के संबंध में मान्यता। जैसे खुद से खुद के लिए प्रश्न कीजिए, मैं कौन हूं? अब आपके सबसे अलग जवाब होंगे। जैसे किसान, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, मुखिया, सरपंच, मुख्यमंत्री, नेताजी, पिता आदि। यही अंतःकरण चतुष्टय का चौथा भाग अहंकार है। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी हर इच्छा का संबंध आपके अहंकार से है। जैसे एक करोड़पति अमीर व्यक्ति की इच्छाएं उसी के स्तर की होंगी और एक गरीब मजदूर की इच्छाएं उसी के स्तर की होंगी। मतलब हमारी इच्छाओं का हमारे अहंकार से गहरा नाता है। अब यदि ये कहा जाए कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति की इच्छाएं भी उसी के स्तर की होंगी, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि जगत को दृष्टा भाव से देखें और स्वयं को आत्मा अनुभव करें, ताकि आपकी इच्छाएं भी उसी स्तर की हों। आप स्वयं को पुरुष समझते हैं, इसलिए आपका आकर्षण स्त्रियों के प्रति है। यदि आप स्वयं को आत्मा माने और हर स्त्री को आत्मिक दृष्टि से देखें, तो आपकी कामुकता का निवारण पल भर में हो सकता है। बस अपना दृष्टिकोण बदलना है। माना कि यह इतना सरल नहीं, लेकिन यह असंभव भी तो नहीं। अब तक हमने जो ये सब कुछ जाना, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक दिन आपको नशा करने का विचार आया। अब यह विचार कहीं से भी आ सकता है, जैसे कुछ लोगों को देखकर या आपके किसी दोस्त ने आपसे आग्रह किया। जैसे ही यह विचार आता है, इसके साथ एक इच्छा भी जन्म लेती है। इस इच्छा के साथ ही बुद्धि की लड़ाई शुरू हो जाती है। तरह तरह की दलीलें पेश की जाती हैं। यदि बुद्धि कमजोर रही तो वह उस इच्छा के पक्ष में अपना फैसला सुना देती है। बुद्धि की लक्ष्मण रेखा पार होते ही इच्छा कार्य रूप में परिणत हो जाती है। यह कार्य कुछ अच्छे और बुरे अनुभवों के रूप में आपके चित्त में संचित हो जाता है। अब जब कभी वही विचार और इच्छा दोबारा आती है, तो उस पर उतनी बहस नहीं होती, अर्थात चित्त में उसका संस्कार थोड़ा दृढ़ हो जाता है। कुछ समय तक यही कर्म चलता रहता है, फिर कुछ समय बाद बुद्धि फैसला सुनाना ही बंद कर देती है। यह यूं समझ लीजिए कि उस इच्छा या विचार के लिए बुद्धि मर जाती है और आपको उस नशे की लत लग जाती है। इसे कहते हैं संस्कारों का चित्त में जड़े जमाना। अगर आप इसे सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति सबसे पहले नशा करने की सोचता है, तो उसके मन में इतने धुंध चल रहे होते हैं, उसकी बुद्धि यह फैसला नहीं सुना पाती है कि उसको वास्तव में यह नशा करना है कि नहीं। लेकिन जब वह एक बार नशा कर लेता है, तो अगली बार उसके मन में यह विचार ही नहीं आता कि यह गलत है या सही है। धीरे धीरे जब वह इसके चित्त में जड़े जमा लेती है, तो वह इस पे कभी विचार विमर्श ही नहीं करता और वह एक नशेड़ी की भूमिका निभाने लगता है। अब अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुद्धि को फिर से जिंदा करना पड़ेगा और तर्क, तथ्य और प्रमाण के साथ उसे मजबूत करना होगा, जो कि बहुत कठिन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।